उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर सुनीता रानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि उनकी चार मुख्य मांगे हैं। हमें न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं, जबकि आज का मजदूर 600 से 700 रुपये प्रतिदिन कमाता है और हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 9,300 में काम कर रहे हैं। हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित मिनी कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने बताया कि चार मुख्य मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग 18,000 रुपये प्रति माह वेतन, 60 वर्ष पूर्ण होने पर 2 लाख का प्रावधान गोल्डन कार्ड और 50,000 की आयु पूर्ण कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित मंडे की वृद्धि ये है। अभी नहीं तो ये विघ्न रूप ले सकता है और ये आगे तक चलेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। हम ये कार्य बहिष्कार पे ही रहेंगे। मांगे हमारी यही हैं कि जो हमें 300 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है, जो एक न्यूनतम मजदूर की भी मजदूरी नहीं है, वो भी 600 रुपये एक दिन के लेता है, तो हम लोग तो फिर उससे भी आधे पे ही हैं, तो कम से कम 18,000 रुपये पर मंथ तो होनी ही चाहिए ना। जो न्यूनतम मजदूरी है उतनी तो होनी ही चाहिए। और दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि जो हमारे 60 साल वाली जो मतलब रिटायरमेंट होती हैं, तो उन्हें कोई भी ऐसी एकमुश्त राशि नहीं दी जाती है, वो भी एक मतलब बाप के लिए, उनके लिए जो अपने जीविका उपार्जन के लिए जो उनको 2 लाख रुपए की भी डिमांड करी रखी गई है। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।